हेलो, वेलकम बैक। आज देखिए, हिस्ट्री के जो जो टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं उसके एमसीक्यूज करेंगे, और ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाए जा चुके हैं। जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चन वही हैं। कुछ क्वेश्चन में भी एकाध नए क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो सारे के सारे जो है क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं और नोट्स से होंगे। एकाध क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके नोट्स से होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन जो है लगभग लगभग कुछ एंशियंट के, कुछ मिडिवल के और कुछ मॉडर्न के, और कुछ क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के भी इसमें होंगे। अब आप देखते जाइए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा, हम देखते रहेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट सिटी सॉरी पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें कह रहे हैं कि आपको बताना है कि बंदरगाह शहर जो है निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक, बंदरगाह आप जब पढ़ते हैं तो इसमें डोकयार्ड वर्ड यूज किया जाता है, और ये किसके लिए? लोथल के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। देखिए, कालीबंगा जो है वो काली चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लोथल। और लोथल जो है वो किसके लिए फेमस था? डोकयार्ड के लिए। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, ये शायद नया हो सकता है। ठीक है, लिखा है साख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश के द्वारा की गई। अब साख्य दर्शन जो है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? आंसर दीजिए भाई, साख्य दर्शन किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? ठीक है, चलिए बी, ओके, आगे। ठीक ठीक, देखिए साख्य दर्शन जो है वो कपिल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। अलग अलग ये टॉपिक शायद जो है छूट गया होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? कपिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ, ठीक है, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण है। ये आलोचना से संबंधित है, क्रिटिसिज्म से संबंधित है, और ये कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी, आप याद रखेंगे राज तरंगिणी, ठीक है, कल्हड़, ठीक, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज तरंगिणी। यह एक टेक्स्ट है और इसमें जो है कश्मीर के राजाओं के बारे में थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज उन्हें किया गया। ठीक, बहुत अच्छा, सबके आंसर सही आ रहे हैं, लगभग लगभग सबके सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर द वैदिक थ्योरी। आपको बताना है कि इनमें से वैदिक थ्योरी के अनुसार जो है वो कौन सा क्या है? गलत है। ठीक ठीक, चलिए इसको, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, कोशिश करिए जल्दी से। गलत बताना है, ठीक, चलिए इसमें आपको देखो, आपको बताना है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए यहां पे लिखा है शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बांसुरी। देखिए, महापुरुष जो थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में बात हो रही है, और इसमें देखोगे तो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है, खास करके जो शासक पुरुष होते थे क्षत्रिय योद्धा, उनके बारे में अगर बात किया जा रहा है तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, पुरुष की बाहों से हुई, भुजा से हुई। ठीक, दूसरा आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की जो है चीजों से हुई, ये भी सही है। ठीक, और जो डी वाला ऑप्शन है, इसमें लिखा है श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पैरों से हुई, ये भी सही है, शूद्रा जिन्हें कहते थे, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है कि यहां पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण और पुजारियों की उत्पत्ति जो है कानों से हुई, नहीं, ठीक है ना, अग्रभाग से, ऊपरी भाग से होती है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए, वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, देखो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण, पांच वेदांग। ठीक है,
अब इन पांच वेदांग में से आपको बताना है कि अनुष्ठान के बारे में या अनुष्ठान से कौन सा संबंधित है, तो कल्प। कल्प जो है वो किससे संबंधित है, कल्प जो है वो अनुष्ठान से संबंधित है, ठीक है। कल्प जो है वो अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं लगभग उससे उससे, याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा, कल्प, ठीक। बहुत अच्छा आंसर, लगभग लगभग सबके सही आ रहे हैं, ठीक है। फाइव का सी, बहुत अच्छा। आगे देखिए, यहां पे कह रहा है कि परुषणी, परुषणी के नाम से किस वैदिक वैदिक काल में किस नदी को जाना जाता था। देखिए हर नदियों के अपने कुछ ना कुछ नाम थे, ठीक है। तो परुषणी जो है वो किस नदी को कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, आप देखिए और बताइए, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है, बताइए। चलिए एक ऑप्शन आया, ठीक है, ए, बहुत अच्छा, ए, 6 का ए बिल्कुल सही, ठीक है, ए, हाँ बिल्कुल। रावी नदी को जो है परुषणी कहते हैं, रावी नदी को जो है वो परुषणी कहा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बाकी भी नदियों के कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन यहाँ पे हम आंसर जो है वो एक ए के बारे में देख रहे हैं, एक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आगे लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉर्ड महावीर बॉर्न, ठीक है। अब देखो जैन संप्रदाय से संबंधित ये प्रश्न है, जैनिज्म से संबंधित ये प्रश्न है, और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उनका जन्म कहां पे हुआ था, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी। चलिए एक ऑप्शन आया ए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का आंसर है भाई। आगे देखिए, बिहार, बहुत अच्छा, ठीक, बिहार इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है बिहार, ठीक। जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का जो है जन्म, महावीर स्वामी का जन्म जो है कहां था, बिहार में, ठीक। आगे चल के यही जैन संप्रदाय जो है वो अलग अलग दो हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। एक जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे जिन्हें श्वेतांबर कहेंगे, और एक जो वस्त्रहीन हो जाएंगे, वस्त्र नहीं पहनेंगे, प्रकृति को अपना वस्त्र माना, तो वे जो है दिगंबर हो जाएंगे, दिशाओं को उन्होंने मान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं, ठीक है। देखो जैन धर्म के बारे में कई सारी जो है बातें लिखी गई, ठीक, उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा टेक्स्ट है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में बताया गया, ठीक, आंसर बताइए, बिल्कुल आंसर बताइए इसका। जल्दी आंसर बताइए, चलिए डी 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 डी, ठीक। इसका आंसर देखो ये तो ठीक है सी है, चलिए इसका आंसर ज्यादातर लोग डी, कल्पसूत्रा, कल्पसूत्रा, ठीक है, और कल्पसूत्रा, बिल्कुल सही, इसका आंसर है कल्पसूत्र, ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो रिलीजियस टेक्स्ट है खास करके जैन धर्म का, इसमें जो है पार्श्वनाथ के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में जो है कई सारी बातें लिखी हुई मिलती हैं, ठीक। जैन दर्शन के अनुसार जिन, जिन शब्द का अर्थ क्या है, देखो जिन शब्द का अर्थ होता है विनर, ठीक है, आप इसको क्या कहते हो यहां पे, विजेता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, द कॉन्कर, या इसी को लिख लेंगे विजेता, जिनका मतलब होता है विजेता, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 9 का क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है, कॉन्कर या विजेता, जिन शब्द का अर्थ ही होता है विनर या फिर विजेता, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा आंसर सबका डी है, बिल्कुल गुड गुड, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th, 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आंसर इसका दीजिए, ठीक है। डैश इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग
स्पेसिमेंस ऑफ द, ठीक है बताइए, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में, बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वस्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध। ये क्वेश्चन कराया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन आगे जो है ये अपलोड हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। ठीक, हम बौद्ध रिलीजन जो है जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। बताइए भाई इसका आंसर जल्दी से, देखिए और बताइए। चलिए, एक तो साची आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, साची सी, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, साची, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, साची। याद रखिएगा कि साची स्तूप में जो है कई सारी बातें लिखी हुई मिलती है, ठीक, हाँ बिल्कुल सही सही, साची, लगभग लगभग सारे बच्चों के आंसर सही है। ठीक, आगे बात करते हैं, आपको बताना है कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया। ठीक है, इसका आंसर बताइए कि अशोक ने सारनाथ में किस स्तूप का निर्माण कराया। देखिए, अशोक ने सारनाथ में किस स्तूप का निर्माण कराया, अशोक ने सारनाथ में किस स्तूप का निर्माण कराया, देखिए जल्दी से। ठीक, इसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक, ए 11 का सी, ठीक है नहीं, ठीक, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, दमेक, ठीक है, इसका आंसर है बी, ज्यादातर बच्चे सी कह रहे हैं, इसका आंसर क्या है, बी, ठीक, दमेक, बिल्कुल सही बात है, दमेक, ठीक है। चलो, याद रखिएगा ज्यादातर जो ज्यादातर आप देखोगे आगे चल के गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में जितने भी स्तूप बने होंगे जैन धर्म के से या बौद्ध धर्म के, ठीक है, ज्यादातर बौद्ध धर्म के फॉलोवर अशोक हुए आगे चल के, तो वो जो है कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया जिसमें बौद्ध धर्म की कई सारी बातों का उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से बताइएगा, चार महान सत्य, ठीक है, फोर नोबल ट्रुथ, चार महासत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। गलत हो गया, चलिए देखिए, चार महासत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। चलो, आरती ने कहा ए, ठीक है, अली ने कहा डी, ठीक, थोड़ा जूम कर दें, जूम की व्यवस्था है इसमें, ये तो इतने पे फिक्स है भाई। चलिए, ज्यादातर लोग डी, डी जैन, डी कह रहे हैं तो जैन क्यों कह रहे हैं, जैनिज्म, जैनिज्म, ए, चलिए ठीक, बुद्ध, बौद्ध धर्म से है, ए नहीं होगा, ठीक है, चार महासत्य का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, चार महा, हाँ, बुद्धिज्म से, ठीक है, हाँ सही बात है, जैनिज्म में पांच हुआ करते थे, पांच आप पढ़ेंगे भी आगे चल के, ठीक है, तो चार महासत्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़िए, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कराया गया है, टॉपिक्स आप पढ़े हुए हैं और आपको जो है इसका आंसर बताना है कि डैश ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया जहां उन्हें 1026 में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को बर्खास्त किया गया। आपको बताना है एक अटैक के बारे में जो साउदर्न कोस्ट ऑफ काठियावाड़ अलोंग द अरेबियन सी वेयर ही शेक्ड द सिटी ऑफ सोमनाथ एंड इट्स रेनॉर्स हिंदू टेंपल इन 1026। ठीक, चलिए आंसर आ रहा है गोरी, और दीजिए आंसर दीजिए, ठीक ठीक, डी डी डी, बिल्कुल गोरी, ठीक है, और भी कुछ देखो, सबके गोरी आंसर आ रहे हैं। एक चीज देखो, हमने आपको बताया था, एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां पे देख लीजिए, कुछ ये आंसर कुछ गलत हो जा रहा है आपका, ध्यान से देखो, सबसे पहले भारत में आता है 712 AD में, वो था मोहम्मद
बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, कासिम आया। फिर इसके बाद हमने बताया था कि 1030 तक जो है रहा ये 17 बार भारत में आक्रमण करने वाला शासक, 17 टाइम्स अटैक किया, ठीक है, और वो था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। हाँ तो गजनी का जो शासक था महमूद गजनवी, ये हुआ ना, गोरी को क्यों कह रहे हो? गोरी तो बहुत बाद में आएगा भाई। गोरी का आगमन जो है 117 और 3 से होता है, ठीक है ना, बिल्कुल गजनी। अब सही आंसर आया गजनी। बीच में देखो कुछ आंसर और भी गजनी के थे, बिल्कुल ठीक, सही है। अब ध्यान इस चीज को देखो, ध्यान देखो, जो नोट्स आपने पढ़ा आप उसको एटलीस्ट एक बार रिवाइज भी किया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना सोमनाथ के टेंपल पर आक्रमण किया। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि इस समय यहाँ का राजा कौन था? एक क्वेश्चन आप, बिल्कुल, इस समय बताइए यहाँ का राजा शासक कौन था? सोमनाथ का हिंदू रूलर कौन था? ठीक है, आंसर आ गया। आप एक मेरा क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सोमनाथ का राजा कौन था? सोमनाथ का शासक ताहिर। ताहिर यहां पर होगा ना, ताहिर जो है वो यहां पर है। यहां बताइए कि 25-26 में यहां का शासक कौन है सोमनाथ का? जल्दी करिए। भीम, ठीक, भीम भीम, दो नाम याद रखेंगे। इनका नाम था भीमदेव फर्स्ट, या इन्हीं को कहा जाता था मूलराज फर्स्ट, ठीक है। तो रूलर के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक, सोलंकी वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और ये क्वेश्चन आसान है, बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए। ए आ रहा है सबका आंसर। देखो हमने आपको बताया था दो बैटल आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है, कि तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। ये जो लिखा है कि मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय डैश रूलर इन 1191, ठीक है। अब आपको पता है कि 1191 में जो बैटल हुआ था वो कौन सा था? वो था विच इज कॉल्ड फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध। और आप सभी को पता है तराइन का पहला युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ था, एक तरफ कौन था? एक तरफ था गोरी और दूसरी तरफ चौहान डायनेस्टी के रूलर, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, या इन्हीं को कहते थे पृथ्वीराज तृतीय। तो चौहान डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर जी पृथ्वीराज चौहान, तो इसका आंसर हो जाएगा चौहान। क्या आंसर हो जाएगा? चौहान, ठीक है, बिल्कुल सारे बच्चों का आंसर सही है। सेकेंड 19, हाँ ठीक है, सेकेंड 92 में हुआ था, ये भी सही, ठीक। चलिए आंसर सबका आ गया, आसान है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था?
दरबारी कवि कौन था भाई, बताइए। हाँ दरबारी कवि बताइए कौन था, सभी लोग बताइए। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। ठीक, सबके आंसर सही है। एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, जल्दी से। चंद्रवरदाई, बहुत अच्छी बात है। बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान प्लस गोरी, चंद्रवरदाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चंद्रवरदाई, चंद्र बरदाई, ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों का आंसर सही है, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन अ बैटल ऑफ डैश डैश दिस। अब बताइए कि किस वर्ष किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया किसको, मोहम्मद गौरी को। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, पहला वाला और दूसरा वाला, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है। ठीक, आगे बताइए। बहुत अच्छी बात है, बुक भी लिख दिया, पृथ्वीराज रासो। ठीक, बी, 15 बी, बी बिल्कुल सही है। आगे आगे, ठीक। देखो, 1991 इसका आंसर होगा, मतलब कि आप सभी को थोड़ी देर पहले ही पीछे वाले क्वेश्चन बताया कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो डिफीट किया जाता है, पराजित किया जाता है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर सही है। देखो, इजी क्वेश्चन है। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल एम्परर कौन था, बताइए। प्लासी के युद्ध के समय मुगल एम्परर कौन था, जल्दी बताइए। ओके, आंध्र प्रदेश का हाई को, आंध्र प्रदेश के तीन कैपिटल हैं, ठीक है, आलमगीर, आलमगीर, ठीक है, आलमगीर, दो आलमगीर थे, आलमगीर फर्स्ट, आलमगीर सेकंड, सिराजुद्दौला। अरे कहाँ सिराजुद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला नहीं, मीर कासिम नहीं, और शाह आलम नहीं, तो आलमगीर कौन है, आलमगीर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आलमगीर, आलमगीर सेकंड, आलमगीर फर्स्ट किसको कहते थे, औरंगजेब को। सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला नहीं है। सिराजुद्दौला के टाइम में तो आप आगे चल के पढ़ोगे कौन सा बैटल, याद करिए, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो याद रखना है कि जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तब जो है ये रूलर था। अब एक क्वेश्चन मेरा ये बताइए कि बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष हुआ, ठीक है, इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी बताइए किस वर्ष हुआ। बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष हुआ, बताइए जल्दी से। चलिए, भारती ने बताया 1757, ठीक है, अभिजीत ने भी 1757, ठीक, नितिन भी कह रहे थे 1757, तो ये SSC बाय ट्रिक 1764। व्हाट अबाउट 1764? 1764 इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ बक्सर। मीनू जो है वो 100 साल पीछे चले गए, 1657, नो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम, बिल्कुल सही बात है। देखो, बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, और बेसिकली ये बैटल जो है वो बंगाल से संबंधित है, ठीक
ठीक है, और ये युद्ध जो है वो दो लोगों के बीच में हुआ, और ये बैटल सबसे कम समय तक चला था, लगभग 1.5 घंटे तक ये बैटल चला था, दो लोगों के बीच में होता है, कौन कौन थे, ठीक, देखिए, एक तरफ थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ थे, दूसरी तरफ था ब्रिटिश को लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। चलिए सर, बैटल ऑफ, बिल्कुल सही आंसर है, आ गया समझ में ना, कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और बैटल ऑफ प्लासी जो है वो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश जो है कह सकते हो ब्रिटिशर्स के तरफ से जो व्यक्ति कमांडर था, इसका लीड कर रहा था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर भी बनेगा आगे चल के। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है भारत मचार बाग शैली के थाप की शुरुआत किसने की, ठीक है, ये प्रश्न नया है आपके लिए, ठीक है, और नया इस वजह से क्योंकि ये आपको नोट्स में मिला नहीं है अभी तक, ठीक, तो याद रखिएगा कि भारत मचार बाग शैली की थाप, ये बताइए जरा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 17, बताइए। देखो बाघ शब्द जहां पर आपको दिख रहा है, आप सीधे चले जाओ मुगल्स के तरफ, ठीक है, इसका आंसर क्या है, बिल्कुल ए, बिल्कुल अच्छी बात है, इसका आंसर है ए, मुगल्स, ठीक। भारत मचार बाग शैली की थाप की शुरुआत जो है वो मुगल्स के समय होती है, और ज्यादातर जो जितने भी आपको जो है मिडिवल पीरियड में जितने भी आपको मॉन्यूमेंट्स नजर आते हैं, ज्यादातर जो है मध्यकालीन भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट है वो सब जो है मुगल्स के टाइम में बनाए गए, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, Who among the following was popularly known as the parrot of India? Most important question, ठीक है, बताइए कि भारत का तोता किसे कहा जाता है, भारत का तोता, भारत का तोता किसे कहते हैं, आंसर दीजिए, अमीर, ठीक, अमीर खुसरो, वाह, ठीक है, अमीर खुसरो, वेरी गुड, वेरी गुड, बी आशीष बी कैसे हो जाएगा, इब्ने बतूता नहीं है, नहीं इब्ने बतूता नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कासगंज, इसी कासगंज में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का, और अलाउद्दीन खिलजी का ये कॉन्टेम्प्ररी माना जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे, ठीक है, तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि होने के साथ साथ हम इसको थोड़ा सा इरेज भी कर दे रहे हैं, एक बार बता दिया। अब एक चीज पर आपको ध्यान देना है, वो क्या है कि अमीर खुसरो को कहा जाता था तोताए हिंद, तोता ए हिंद, ठीक है, अमीर खुसरो ने भारत में दो वाद्र यंत्र को इन्वेंट किया, दो वाद्र यंत्र कौन कौन से थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे आप कह सकते हैं, कोई बताए भाई, दो वाद्र यंत्र, हाँ निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, गुरु थे इनके, आगे बताइए, दो वाद्र यंत्र, हाँ ठीक, एटा, बिल्कुल सही बात है, एक है तबला, ठीक है, तबला और दूसरा बना जो है वो वीणा से सितार, ठीक। आपको जानना चाहिए कि भारत में जो कव्वाली बोला जाता है उसके भी जो है जन्मदाता कौन थे, अमीर खुसरो ही थे, बिल्कुल अच्छी बात है, बेहतर पता है आप सभी लोगों को, ठीक। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधार का सुझाव देने के लिए
यूनाइटेड किंगडम के 7 सदन सदस्यों का एक समूह भारत आया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ग्रुप ऑफ 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूट टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर ब्रिटिश इंडिया। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इनमें से कौन सा कमीशन है, हंटर है, ठीक है, सर्जेंट है, या फिर फ्रेसर है, या फिर साइमन है। चलिए डी, ठीक, अभिजीत ने कहा डी, भारती ने कहा डी, ठीक है, दीपांजलि ने भी कहा डी, वेरी गुड। हंटर, हंटर नहीं है बेटा, ठीक। साइमन, बिल्कुल सही बात है, साइमन कमीशन। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, साइमन कमीशन में टोटल जो मेंबर्स थे वो कितने थे, उनकी संख्या थी 7, ठीक है, 7 सदस्य थे, और सातों के सातों सदस्य जो है वो अंग्रेज थे, सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। इसी वजह से साइमन कमीशन को जो है भारत में व्हाइट कमीशन कहा गया, इस कमीशन को जो है भारत में व्हाइट कमीशन कहा गया, ठीक है। भाई हमारे लिए संविधान बनाना है तो हमारे किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को तो उसमें रखना चाहिए था ना, ठीक। और साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध कहां पर हुआ, बताइए, सबसे ज्यादा विरोध साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध कहां पर होता है। साइमन, गो बैक, वेरी नाइस। विरोध सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, ठीक, गोरे, वेरी, हाँ, सभी गोरे थे, व्हाइट कमीशन इसीलिए कहा गया, ठीक। साइमन गो बैक का स्लोगन किसने दिया था, साइमन गो बैक का स्लोगन। चलिए एक ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा कि साइमन गो बैक का स्लोगन किसने दिया, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा विरोध इसका हुआ पंजाब, सबसे ज्यादा विरोध कहां पर होता है, पंजाब में। और साइमन गो बैक का स्लोगन जो है वो दिया गया किसे, लाला लाजपत राय के द्वारा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया, वेरी नाइस। अब एक और चीज बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया, एक और क्वेश्चन इसी में है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। टेस्ट सीरीज का कूपन कोड इसके लिए तो मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा बेटा, आप जो है टेक्निकल टीम से संपर्क करिए। साइमन, वेरी, बिल्कुल, भारती ने सही आंसर बताया। देखिए, साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था 1927 नवंबर में, और 1928 फेब में ये भारत आया, ठीक है, बॉम्बे पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत कब आता है, 1928 में, याद रखना, भारत कब आता है, 1928 में। देखो एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर, ठीक है, पंजाब, लाहौर, बिल्कुल सही बात है। इसी के बाद जो है साइमन कमीशन के विरोध की वजह से किसकी डेथ हुई थी, लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, जहां पर इनके ऊपर लाठीचार्ज करा दिया गया, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, बताइए, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट सरप्लस, इंपोर्ट डिफिशियंसी, एक्सपोर्ट डिफिशियंसी, या एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक 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 ठीक, इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट सरप्लस। आपको जानना चाहिए जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो उनकी कोशिश क्या थी, वे चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल यहां से लें और ले जाकर उसको जो है ब्रिटेन में उसके गुड्स तैयार करें। अब रॉ मटेरियल यहां से लिया, गुड्स वहां पे बना लिया, अब गुड्स बेचें कहां,
इतनी बड़ी पॉपुलेशन कहाँ है जो इस प्रकार के गुड्स को कंज्यूम कर सके, यूज कर सके, तो वापस जो है उसी को भारत में लाकर बेचा जाने लगा। और यहीं से शुरू होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहीं से क्या शुरू होता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमने कोई वस्तु आपसे 10 रुपए में खरीदी रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और वही चीज उसी का हमने गुड्स बनाया और आपको बेचना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है जितने में लिया उतने में देंगे नहीं। हमने उसको प्रिपेयर किया है तो थोड़े बहुत खर्चे हमारे लंग में जोड़ेंगे, कुछ टैक्स जोड़ेंगे, उसके बाद आपको अपना मुनाफा जोड़ते हुए बेचेंगे। तो ये जो काम शुरू हुआ, तो भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत जो है वो यहाँ से हो गई। ठीक, याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से ज्यादातर वस्तुएं जो है भारत लेकर जाते थे, बाद में लाके यहाँ पे बेचते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में देशी आंदोलन की शुरुआत डैश के दौरान हुई। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, देखो ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको कराया हुआ है। ठीक है, बताइए। दादा भाई ने बोला था ना? हाँ बिल्कुल, दादा भाई ने बोला है भाई, बिल्कुल दादा भाई ने बोला था। एक आंसर आया ए, ए। ठीक है, नवरोजी ने भी बोला एंटी बंगाल। सी आशीष, सी आंसर कैसे होगा? चंपारण नॉन कॉरपोरेशन, कैसे नॉन कॉरपोरेशन क्यों होगा भाई? आप एक चीज भी देखो ना, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1992-22, ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेक एक्ट, ये भी घटना जो है वो 19 की है। ठीक, ये चंपारण मूवमेंट की बात करते हैं तो 1917 की है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो 1905 की है। देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब आप पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनिए सभी लोग, इंडियन नेशनल मूवमेंट जब आप सभी लोग पढ़ रहे थे तो उसके उस बीच मैंने कुछ बातों पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया था कि देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत है, ठीक है, वो 1857 के रिवॉल्ट से शुरू होती है और ये भारत की आजादी तक 1947 तक, ये 90 वर्षों का संघर्ष है। 1857 के रिवॉल्ट थोड़े से जो है डेफर है, ये दब गए। 1885 में जो है इस्टेब्लिश किया जाता है INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इस बीच बहुत तेजी से जो है अखबार पत्रिका ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, लेकिन जब लॉर्ड कर्जन आता है तो उसने अपने जाने से पहले 1905 में भारत की जनता के बीच में फूट डाला, डिवाइड एंड रूल जिसे आप कह सकते हो, वो क्या था? वो था बंगाल विभाजन, बंगाल जो है पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन को करके। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक, तो याद रखिएगा कि एंटी बंगाल पार्टीशन, ठीक है, एजिटेशन, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। सभी लोग देख लीजिए, कांग्रेस का पूरा नाम, ठीक है, 1892 में INC हुआ, बिल्कुल सही बात है, दादा भाई नौरोजी के रिकमेंडेशन से INC हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस को कांग्रेस का नाम ही दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये भी सही बात है। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल से, ये भी सही बात है। ठीक, बिल्कुल, चलिए याद तो है। ये बताइए लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड? आसान प्रश्न, चलिए बताइए। ए, ए बिल्कुल सही, नितिन सिंह भी ए, भारती भी ए। ठीक, देखिए ध्यान से, लॉर्ड कर्जन का संबंध किस घटना से है? तो ये जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही है। हमने डिटेल में बताया कि 1905 में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का हवाला देते हुए जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया। और आप देखोगे जो बंगाल है पूरा, देखिए ध्यान से,
एक सेकेंड, हम भारत का थोड़ा सा नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काले में कहाँ चल पाएगा। देखो ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये बिहार वाले हिस्से, ठीक, ये पूरे जो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं ये सब बंगाल हुआ करते थे, ये सब बंगाल था, ठीक है। यहाँ पे बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, इसको जो है बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, ठीक। एक हिस्सा हुआ ईस्ट बंगाल और एक को कहा गया क्या, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या बना भाई, सभी को पता है वेस्ट बंगाल का कैपिटल हो जाएगा कलकत्ता। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या हुआ, कलकत्ता। ईस्ट बंगाल का कैपिटल क्या हुआ, इसका हो गया ढाका। इसका क्या हो गया, इसका हो गया ढाका, इसका हो जाएगा ढाका, ठीक ठीक। यहां पर सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी, मुस्लिम, कितनी परसेंट, नियर अबाउट 80%। यहाँ पे सबसे ज्यादा कम्युनिटी कौन सी, हिंदू, कितनी परसेंट, नियर अबाउट 80%। अब जाहिर सी बात है कि ये जो डिवीजन है वो हिंदू और मुस्लिम का है, ना कि जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते भी हैं। और इसी के बाद से जो है दो मूवमेंट शुरू हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट जो आपको पहले से पता है, और दूसरा एक और मूवमेंट था जिसे क्या कहा गया था, बायकॉट मूवमेंट। क्या कहा गया था, बायकॉट मूवमेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ऑफ द ईयर डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आया, बताइए जल्दी से इसका आंसर। पहला आंसर आशीष ने किया सी, ठीक है, जो गलत है। दूसरा आंसर जो है वो कुंदू ने किया है, ठीक, पार्टीशन एंड डिवाइड रूल, ये क्या है, ये तो पिछला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, आगे बढ़ाइए। ठीक 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 ठीक, देखो ध्यान से, या देख लेना, जब भी आप भारत में संविधान का विकास पढ़ते हो तो उसमें एक चीज याद रखना कि अगर भारत में हम रूल के बारे में बात करें तो रूल जो है वो दो तरीके से हुआ, शासन जो है वो दो तरीके से हुआ, ठीक। एक जो शासन होता है, देखिए ध्यान से, रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और दूसरा है रूल अंडर ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अगर आप ईयर देखोगे तो ईयर पर ध्यान देना, रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1773 से प्रारंभ होता है और 1857 के रिवॉल्ट तक चला, ठीक। 1857 के रिवॉल्ट जैसे ही होते हैं तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसके बाद शुरू होता है रूल अंडर ब्रिटिश क्राउन विच वॉज स्टार्टेड इन 1858 टू 1947, ठीक है, 1858 टू 1957, मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद से भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ और भारत की आजादी तक जो है ये चलता है। एक फर्स्ट गवर्नर जनरल, बिल्कुल इक्वल टू वॉस, ठीक ठीक ठीक, कैनन, बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देख लीजिए सभी लोग, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में शासन होता है उस शासन में कब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा और कब जो है ब्रिटिश क्राउन का रूल रहा,
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है डैश को दक्षिण अफ्रीका में उनकी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में पेंसहर्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसरे हिंद से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखो केसरे हिंद का जो टाइटल है वो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने छोड़ा, बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने छोड़ा? तो बिल्कुल सही बात है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान केसरे हिंद की उपाधि छोड़ी जो इनको मिली थी 1915 में पेंसहर्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, बी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहीं पे और भी हमने बता दिया है कि केसरे हिंद की जो है टाइटल गांधी जी ने कब छोड़ा, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान छोड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, पहला आंसर आया बी, ठीक 11, अनूप गुप्ता ने 11 क्यों लिखा है भाई? ठीक है 1942, अंकिता 1942, अमन भी कह रहे हैं 1942। ठीक है, सारे बच्चों का आंसर, वेरी गुड, प्रिपेयर है सभी का। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है, ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट कहा गया, और इसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किसने किया, याद रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने, और इन्होंने एक स्लोगन दिया विच इज डू और डाई, दैट मीन करो या मरो, और ये अहिंसक आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। ठीक है ना, याद आ गया, डू और डाई, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, समझ में आ रहा है सभी को, थम्स अप करिए, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए बिल्कुल, करो या मरो, सही बात है। ये जो अलग अलग ईयर, इनके बारे में कोई बताएगा क्या कुछ, कि 1930 में क्या हुआ होगा, 1932 में और 1940 में, बताइए जरा, तो सभी को देखें, कोई ये घटना बताइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कि 1930 में क्या हुआ, 32 में क्या हुआ और 40 में क्या हुआ। बिल्कुल सही बात है, ठीक ठीक एग्जाम कब है, एग्जाम में भी नेक्स्ट मंथ में है। देखिए ध्यान से, चलिए देखो, बिल्कुल सही बात, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 पूना पैक्ट और 1940 में अगस्त ऑफर, याद रखिएगा, सही सही, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायर राज्य किस राज्य के थे, ये क्वेश्चन बताइए, ये अलग भी है और आपको बताने भी है, ये अलग भी है और आपको बताने भी है। चलिए इसका आंसर है उड़ीसा, इनका संबंध किससे है, उड़ीसा से, ठीक ठीक है, याद रखिएगा, शहीद लक्ष्मण नायक का संबंध जो है वो कहां किस राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है। ठीक, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया व्हेन वाज द पूना पैक्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया पूना पैक्ट के बारे में, याद रखना 1932 पूना पैक्ट, ठीक है, और पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, बताइए पूना पैक्ट, बताइए किसके किसके मध्य हुआ,
देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि पूना समझौता 1932 में किसके किसके बीच हुआ, ठीक है। इसमें आप याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के मध्य में, तो पूना पैक्ट जो है वो दो लोगों के बीच में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय की सहायता से जो विवाद था गांधी जी और बी आर अंबेडकर के विचारधाराओं को लेके दोनों के मध्य, उसको जो है सुलझाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1932 में पूना पैक्ट जो है वो किसकी सहायता से हुआ, तो पंडित मदन मोहन मालवीय की सहायता से बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ, और इसी के बाद गांधी जी ने हरिजन नाम की एक पत्रिका चलाई थी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि नटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय से की, तो नटाल इंडिया की स्थापना किसने किया था, याद रखना महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने जो है वो नटाल इंडिया की स्थापना किए थे, ठीक है। नटाल इंडिया की स्थापना किसने किया, महात्मा गांधी, कहां पर किया, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि गांधी जी ने जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां पर किया, ठीक। जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आसान क्वेश्चन थे, शुरू के एक आध क्वेश्चन शायद थोड़े से कठिन थे, ठीक है। तो आप घर पर बैठिए हैं, दोबारा फिर उसको देखिएगा, कुछ और भी क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन भी जो है हमसे पूछ सकते हैं इसी माध्यम से, जहां पे आप कमेंट कर रहे हैं, कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक, क्लियर है, किसी का कोई डाउट, चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।